बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महरीन है और आज हम मौजूद हैं टेलीफोन ऑपरेटिंग की दूसरी क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेलीफोन सिस्टम। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीफोन सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम अ सिंगल टाइम कनेक्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेंज टू द सब्सक्राइबर इंस्ट्रूमेंट टू अ कम्प्लीट प्राइवेट ऑटोमेटिक एक्सचेंज सिस्टम। In a business situation where there are many users, it is necessary to have a system that can span to meet the need of business. Because communication is so important to the office business that they will normally have multiple lines and extension. Generally, two types of system that are used in offices are number one, key and lamp system, or number two, private exchange system. First of all, we will discuss the key and lamp system. In small offices having less man number of rooms and staff strength, this system comprises the best in term of cost. The system consists of only one or two telephone lines. When the telephone rings, its on lamp flashes, and by pressing a key, any one of the extension can answer the call. This system is ideally situated to small operations and is known as a key and lamp system. Now we will discuss the private exchange. This involves one or more lines from the public exchange being connected to a private branch in an office. This system allows any exchange lines to be connected with any of the members of the extension. They also allow one extension to be connected with all other for internal communication. Telephone system, यहाँ एक तरह के telephone systems मौजूद हैं जो एक ही वक्त से public exchange से customer के आले से एक मुकम्मल private automatic exchange PABX system से मुंसलिक होते हैं। कारोबारी सूरत हाल में बहुत सारे customer मौजूद होते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा निज़ाम हो जो कारोबार की ज़रूरत को पूरा कर सके, क्योंकि कारोबार के लिए कम्युनिकेशन इतनी ही आम है कि इनमें आम तौर पर मुतादित लाने और एक्सटेंशंस होंगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे टेलीफोन सिस्टम की टाइप्स के बारे में। पहली टाइप है की एंड लैम्प सिस्टम। कमरे और अमले की तादाद कम रखने वाले छोटे ऑफिसेस में खर्च के लिहाज से ये निज़ाम बेहतरीन है। ये निज़ाम सिर्फ एक या दो टेलीफोन लाइनों पर मुश्तमिल होता है। जब टेलीफोन बजता है तो इसका अपना लैम्प चलता है और कोई भी बटन दबाने से कोई भी कॉल ऑपरेटर जवाब दे सकता है। ये निज़ाम छोटे ऑपरेशनों के लिए मौजू है और उसे की सिस्टम और लैम्प सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सेकंड टाइप है प्राइवेट एक्सचेंज सिस्टम। इसमें पब्लिक एक्सचेंज की एक या ज़्यादा लाइनें शामिल हैं जो किसी दफ्तर में प्राइवेट ब्रांच से मुंसलिक होती हैं। ये सिस्टम किसी भी एक्सचेंज लाइन को किसी एक्सटेंशन की तादाद के साथ मुंसलिक करने की इजाज़त देता है। वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एक ऑपरेटर को दूसरे तमाम लोगों के साथ मुंसलिक होने की इजाज़त देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सेकंड लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।